रेड एक ऐसा कलर है जो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। और जैसा कि आप जानते हैं, फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है, अभी करवा चौथ आने वाला है और अभी अभी नवरात्रि का फेस्टिवल भी गया है। तो फ्रेंड्स, रेड कलर को लेकर हमारे मन में हमेशा ही ये रहता है कि रेड कलर पहना जाए जिससे कि फेस्टिव लुक आ जाए। और अभी तो वैसे भी करवा चौथ आने वाला है, तो उसके लिए तो हम चाहते हैं कि रेड कलर की साड़ी पहने जिससे हमारा लुक कुछ अलग आ पाए। और साथ ही साथ अभी दिवाली का फेस्टिवल भी बिल्कुल पास आ चुका है, तो फ्रेंड्स कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि रेड साड़ी में हमारा लुक आए कुछ बिल्कुल डिफरेंट। तो आज की वीडियो में आपके साथ में कुछ ऐसे ही स्टाइलिंग टिप्स शेयर करना चाहती हूँ जो कि आपकी रेड साड़ी के लिए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल जिसका नाम है गॉर्जियस वाइंस। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ रेड साड़ी को स्टाइल करने के लिए कुछ अमेजिंग टिप्स जो कि आप जब रेड साड़ी पहनेंगी तो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। चाहे रेड साड़ी का कोई भी शेड क्यों ना हो, रेड साड़ी को स्टाइल करने का अलग ही तरीका होता है। तो अपनी रेड साड़ी को अलग अलग तरीके से करिए स्टाइल और अलग अलग फेस्टिव लुक पाइए एक अलग ही अंदाज में। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं वीडियो, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो तो मुझे कमेंट करके बताइए ज़रूर। अगर हम रेड कलर पहनना चाहते हैं और रेड कलर की साड़ी को अलग अलग अंदाज में पहनने के आइडियाज़ हैं हमारे पास, तो हम अपनी रेड कलर की साड़ी को हमेशा नए लुक के साथ पहन सकते हैं जिससे हर फेस्टिवल में उसका लुक आएगा बेहतरीन और आपको फील होगा कुछ स्पेशल। तो चलिए आज कुछ ऐसी टिप्स आपके साथ शेयर करते हैं, आपको बताते हैं ऐसे अमेजिंग टिप्स जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट जो टिप है वो है आपकी प्लेन रेड साड़ी के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इस फेस्टिव सीजन में अपनी प्लेन रेड साड़ी को स्टाइल करना चाहती हैं तो उसको स्टाइल कीजिए फुल स्लीव ब्लाउज़ के साथ। जी हाँ फ्रेंड्स, प्लेन साड़ी के साथ फुल स्लीव ब्लाउज जो होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, उसकी लुक बिल्कुल अलग आती है। और उसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखें, जो फुल स्लीव ब्लाउज़ होगा वो आपका एम्ब्रॉयडरी वाला पहनेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। टेक्सचर्ड ब्लाउज़ पहने, एम्ब्रॉयडरी वाला पहने, चाहे आप सीक्वेंट वाला पहने, मतलब ये है कि आपकी साड़ी प्लेन है तो आपका जो ब्लाउज़ हो वो हैवी वर्क वाला होगा तो उसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। आप चाहे तो ब्रोकेड का ब्लाउज भी सिलवा सकते हैं, ये भी आपकी प्लेन साड़ी को एकदम रिच लुक देगा जो कि आपकी साड़ी को जो कि प्लेन है उसको बहुत ज़्यादा एनहेंस करेगा और आपका ओवरऑल लुक बहुत ही ज़्यादा प्यारा आएगा। तो फ्रेंड ट्राई ज़रूर कीजिए। उसके बाद है हमारी टिप नंबर टू, और टिप नंबर टू भी आपकी रेड साड़ी के लिए ही है। तो रेड साड़ी को जब आप पहनें तो आप ये ध्यान रखें कि उसकी जो ब्लाउज़ है उसको आप बोट नेक वाला बनवा सकती हैं, और बोट नेक में भी अगर आप स्लीवलेस ब्लाउज पहनती हैं तो इसको ज़रूर ट्राई करके देखिए। ये आपकी जो रेड साड़ी है उसमें चार चांद लगा देगा, और उसके साथ साथ ही आप स्टाइल कीजिए रेड कलर के बैंगल्स। जी हाँ, और इसके साथ अगर आप कांच वाली बैंगल्स पहनेंगे, चूड़िया पहनेंगे तो और भी ज़्यादा प्यारा लुक आएगा। रेड साड़ी की सिंपल सी जो लुक होती है उसके साथ कांच की चूड़िया बहुत ही सुंदर आती है, और जो आपका ब्लाउज होगा वो उसको देगा थोड़ा सा मॉडर्न टच। तो ओवरऑल लुक आपकी साड़ी का जो आएगा वो बहुत ही प्यारा आने वाला है। इसके साथ अगर हम बालों की बात करें तो इसके लिए आप सेंटर पार्टिंग करके एक प्यारा सा बन बना सकती हैं, और उसके साथ आप चाहें तो एक गजरा भी स्टाइल कर सकती हैं जो कि आपकी ओवरऑल लुक को करेगा बिल्कुल कंप्लीट, और आप इस साड़ी में खूबसूरत नज़र आएंगी। अब बारी आती है नंबर थ्री टिप की, और वो ये है कि आप अपनी रेड साड़ी के साथ डिफरेंट कलर के ज्वेलरी को पेयर कीजिए जिससे कि उसका जो मोनोक्रोम लुक है वो ब्रेकअप होगा और उसको बहुत ही प्यारा सा स्टाइल मिलेगा। तो रेड कलर की साड़ी के साथ आप देखेंगे कि ग्रीन कलर की ज्वेलरी, गोल्डन या सिल्वर कलर की ज्वेलरी आसानी से पेयर हो जाती है, तो आप इसको ट्राई करिए। और इसके साथ साथ अगर बैकलेस ब्लाउज ट्राई कर रही हैं तो उसके साथ आप स्लीक बन बनाकर गजरा बना सकती हैं। और इसके साथ साथ आप ये भी कर सकती हैं, अगर आप डिफरेंट कलर की ज्वेलरी पहन रही हैं तो
अगर आप बड़े बड़े डेंगलर्स ईयरिंग पहन रही हैं तो आप इसके साथ एक पतली सी चैन ही वेयर कीजिए। आप अपनी ज्वेलरी को भी बहुत ज़्यादा हैवी ना होने दें, इसके से इसका लुक ख़राब हो जाता है और ये देखने में स्मार्ट लुक नहीं देती है। तो हमेशा अपने लुक को बिल्कुल मिनिमाइज करके रखिए, बैलेंस करके रखिए। अब आती है बारी नंबर 4 टिप की, और नंबर 4 टिप भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल। जो नंबर 4 टिप है वो ये है कि अगर आपके पास रखी है कोई बिल्कुल पतली शिफॉन की साड़ी, तो आप उसको नूडल स्ट्रैप या स्पेगेटी गोल्डन ब्लाउज के साथ पेयर कर सकती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न लुक देता है, स्टाइलिश लुक देता है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। तो इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिए। वैसे भी रेड और गोल्डन जो कलर है वो वैसे भी फेस्टिव वाइब्स देता है, तो जब आप इनको पेयर करेंगे तो ये बहुत ही बेहतरीन लुक देने वाला है। इसको आप चाहें तो अपने सीक्वेन ब्लाउज़ के साथ भी पेयर कर सकती हैं। ये पूरी तरह से आपके ऊपर है कि आप इस तरह का ब्लाउज़ पहनना चाहती हैं, तो इस लुक को ज़रूर रिक्रिएट कीजिए। ये बहुत ही प्यारा आप लुक देने वाला है आपके साड़ी को, और ये मॉडर्न टच भी देता है। तो जो सेलिब्रिटी लुक है वो बिल्कुल आप रिक्रिएट कर सकते हैं, आप इस तरह की साड़ी पहन के एक अलग ही अंदाज में इस लुक को रिक्रिएट कर सकती हैं। उसके बाद है नंबर 5 टिप। फ्रेंड्स, आप अगर अपनी रेड साड़ी में गर्लिश लुक चाहती हैं तो इसको आप अपने जो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी होती है उसके साथ, तो अपनी फंकी ज्वेलरी के साथ पेयर कीजिए। देखिए इसका लुक कितना प्यारा आता है। और इसके साथ साथ अगर हम हेयर स्टाइल की बात करें तो अपनी एक बड़ी ही प्यारी सी पोनीटेल आप बना लीजिए इसके साथ, तो ये बिल्कुल ही अलग लुक देने वाला है आपकी रेड साड़ी को। इस तरह का लुक गर्ल्स काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हैं, चाहे वो पार्टीज़ में जाना चाहें या कोई कॉलेज के प्रोग्राम में है या कहीं आउटिंग के लिए जाना चाहती हैं उनके फंक्शन के लिए, तो ये बिल्कुल ही एप्रोप्रिएट लुक रहता है। तो अगर आपको भी फेस्टिव सीजन में कहीं जाना है पार्टी के लिए, गैदरिंग के लिए, तो आप इस तरह का लुक क्रिएट कर सकती हैं, जो कि देखने में स्टाइलिश भी लगता है और बिल्कुल ये लाइट वेट सा रहता है, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हैवी फील नहीं होता, क्योंकि जंक ज्वेलरी या ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का आजकल ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। तो इसको आप रेड साड़ी के साथ भी पेयर कर सकती हैं। उसके बाद आती है नंबर 6 टिप की, और ये भी बहुत ही बेहतरीन टिप है आपके लिए। जब आप रेड साड़ी पहनती हैं तो इसके साथ आप ये लुक भी क्रिएट कर सकती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अपनी सिंपल सी रेड साड़ी के साथ अगर आप सीक्वन वाला ब्लाउज पहनती हैं ना, तो उसका लुक ही एकदम चेंज होने वाला है। तो एक बार इसको ट्राई कीजिए। अपनी पुरानी रखी हुई साड़ी को भी अगर आप निकालेंगी, उसके साथ भी अपना ब्लाउज चेंज कर लीजिए, उसके साथ बनवाइए सीक्वेंस वाला ब्लाउज, देखिए उसका लुक ही चेंज हो जाएगा। इसके साथ साथ ही आप रेड कलर के लिपस्टिक ट्राई कर सकती हैं और हाइलाइटेड चिक्स भी बना सकती हैं, अपने मेकअप लुक के लिए रख सकती हैं। और इसके साथ साथ अगर हम हेयर स्टाइल की बात करें तो लाइट कर्ल्स अपने लिए बना सकती हैं। ये लुक जो है बहुत ही प्यारा लगने वाला है, तो आप इसको ट्राई कीजिए। सीक्वेन लुक आपकी सिंपल सी साड़ी को एक ब्लिंगी लुक देता है, ब्लिंगी टच देता है, जो कि फेस्टिव सीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा एप्रोप्रिएट होता है। अब बारी आती है नंबर 7 टिप की, और नंबर 7 टिप भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टिप है, तो इसको भी आप ट्राई ज़रूर कीजिए। और नंबर 7 टिप है क्या फ्रेंड्स, नंबर 7 टिप पर आपके लिए है कि अपनी रेड साड़ी के साथ नेट ब्लाउज़ को पेयर कीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप रेड साड़ी पहन रही हैं तो उसके साथ जो ब्लाउज़ है वो नेट वाला अगर आप बनवाती हैं, तो ये बहुत ही प्यारा सा लुक आपकी साड़ी को देगा। नेट फैब्रिक के अलावा आप और भी शीयर फैब्रिक यूज़ करके इस तरह के ब्लाउज़ को बनवा सकती हैं, और स्पेशली अगर आप शीयर फैब्रिक की जब आप स्लीव्स बनवाते हैं तो ये आपकी साड़ी को एक बिल्कुल नीट एंड क्लीन लुक देता है, आपको एक फेस्टिव वाइब देता है, आपकी साड़ी को बहुत ज़्यादा एनहेंस करके प्रेजेंट करता है। तो अपनी साड़ी के साथ आप फुल स्लीव वाला ब्लाउज़ बनवाइए, और वो भी शीयर फैब्रिक का, देखिए आपकी साड़ी में कैसे जान आ जाती है। इसके साथ साथ आप नेक में भी शीयर फैब्रिक यूज़ करके अलग अलग तरह के डिज़ाइन बनवा सकते हैं, ये भी बहुत ही प्यारे लगते हैं। अब बारी है नंबर 8 टिप की, और नंबर 8 टिप की जो बात हम करने वाले हैं वो ये है कि जब आप रेड साड़ी पहने तो उसके साथ आप टर्टल नेक ब्लाउज़ बनवाइए। जी हाँ फ्रेंड्स, टर्टल नेक ब्लाउज़ इस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो आप अपनी रेड साड़ी के साथ भी इसको बनवा सकती हैं और एक बहुत ही बेहतरीन लुक इस साड़ी में आप पा सकती हैं।
ये ब्लाउज डिज़ाइन प्लेन और शिफोन के साड़ी के साथ ही बहुत प्यारे लगते हैं। आप चाहे हैवी साड़ी पहन रही हो तो उसके साथ ही बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें आप जो स्लीव्स बनवाएंगी थोड़ी वेवी बनवा सकती हैं, पफ स्लीव बनवा सकती हैं, जो कि आपकी लाइट वेट साड़ी को बहुत ही ज़्यादा एनहेंस करता है, उसको एक अलग ही लुक में प्रेजेंट करता है। तो अगर आप प्लेन साड़ी पहन रही हैं, शिफोन की साड़ी पहन रही हैं, तो टर्टल नेक ज़रूर ट्राई कीजिए और इसके साथ थोड़ी सी वेवी और बाउंसी स्लीव बनवाइए। देखिए आपकी साड़ी का लुक बिल्कुल चेंज हो जाएगा और आपकी साड़ी आपको लगेगी बहुत ही ज़्यादा प्यारी। और अब बारी आती है नंबर 9 टिप की। जी हाँ फ्रेंड्स, जो नंबर 9 टिप है वो आप सब जानते हैं, क्योंकि जब रेड साड़ी का नाम आता है तो उसमें ट्रेडिशनल लुक की बात ना हो ये हो ही नहीं सकता। तो अपनी रेड साड़ी को जब आप पहन रही हैं, चाहे आपकी बनारसी साड़ी है, चाहे आपकी जो है ब्रॉकेट साड़ी है, उसको आप ट्रेडिशनल ज्वेलरी के साथ पेयर कीजिए। ये साड़ी का लुक कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता है और ये जो साड़ी का लुक है वो आप सबका फेवरेट भी हो सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो अपने ट्रेडिशनल ज्वेलरी के साथ अपनी रेड साड़ी को पेयर कीजिए और फेस्टिव सीजन को एक अलग ही अंदाज में प्रेजेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने जो ट्रेडिशनल ज्वेलरी रखी है उसको यूज़ कर पाएंगी और रेड साड़ी को भी एक अलग अंदाज में पहन पाएंगी। तो निकालिए अपनी ज्वेलरी को, चाहे आपकी पर्ल की ज्वेलरी हो, चाहे आपकी गोल्ड ज्वेलरी हो, चाहे आपकी कुंदन की ज्वेलरी हो, आप अपनी रेड साड़ी के साथ पेयर कर सकते हैं। अब बारी आती है नंबर 10 और लास्ट टिप की। जी हाँ फ्रेंड्स, जो नंबर 10 टिप है वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है अगर आपको रेड साड़ी पहननी है तो। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप रेड साड़ी पहनना चाहते हैं और उसको एक अलग अंदाज में पहनना चाहते हैं तो उसको पहनिए सिल्वर ब्लाउज के साथ। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आपको बिल्कुल सेलिब्रिटी वाला लुक देने वाला है, मॉडर्न लुक देने वाला है। ये आपका जो लुक होगा वो आपको एक अलग ही अंदाज में प्रेजेंट करेगा, आपकी साड़ी को एक नया ही लुक देने वाला है। तो सिल्वर कलर के अगर आप ब्लाउज पहन रही हैं अपनी साड़ी के साथ, तो उसके साथ आप पहनिए प्यारा सा ब्रेसलेट सिल्वर कलर का और इसके साथ साथ पहनिए प्यारे प्यारे से सिल्वर कलर के ही इयररिंग। देखिए आपकी साड़ी का लुक कितना ज़्यादा निखर के आता है। और इसके साथ अगर आप ऐड करना चाहती हैं एक प्यारी सी सिल्वर कलर की ही बेल्ट ऐड कर लीजिए। देखिए आपका लुक जो होगा बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट लगने वाला है, कुछ अलग लगेगा आपका लुक इस बार। अपनी साड़ी को देखिए, इतना प्यारा लुक दीजिए जिससे कि औरों से आप कुछ हट के नज़र आएँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप मॉडर्न लुक चाहती हैं, थोड़ा स्टाइलिश देखना चाहती हैं, तो अपने सिल्वर ब्लाउज के साथ अपने रेड साड़ी को ज़रूर पेयर कीजिए। देखिए आपकी नई लगेगी बिल्कुल साड़ी और आपका लुक भी हो जाएगा बिल्कुल ही चेंज। तो फ्रेंड्स, ये थे छोटे छोटे टिप्स जो कि आपके रेड साड़ी जब आप पहनेंगी तो आपके काम आ सकते हैं। कोई भी टिप आपको अच्छी लगी हो, कोई भी आइडियाज़ आपको पसंद आया हो तो ज़रूर बताइए। और अगर आपके भी कुछ अलग से आइडियाज़ हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, हो सकता है किसी और के वो काम आ जाएं। और साथ ही साथ आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइए, वो वीडियो आपको जल्द ही हमारे चैनल पर मिल जाएगी। और इसके साथ साथ आप जो मेरी वीडियो को इतना प्यार दे रहे हैं, ब्लाउज़ वाले जितने भी वीडियो बनाई हैं, ब्लाउज़ के लिए जो टिप्स डाली हैं वो आपको बहुत पसंद आ रही है, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, आप इसी तरह मेरे चैनल के साथ बने रहिए और मेरी वीडियोस के को अपना प्यार देते रहिए। और आपके कुछ सजेशन हो तो ज़रूर दीजिए जिससे कि मैं अपनी वीडियोस को और ज़्यादा बेहतर बना पाऊँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई सजेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। वीडियो को पूरी वॉच करके जाइए और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ कर जाइए।